भारतीय गोरखा संगठन ने कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठन के लोगों ने कूड़ाघाट से एक पैदल मार्च निकाला और शहीद गौतम गुरुंग के प्रतिमा पर पहुंचकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय गोरखा संगठन के अध्यक्ष तारा खत्री, ममता और भाजपा नेता जितेंद्र वर्मा, विनोद पांडे ने कहा, पुलवामा में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों द्वारा जो शर्मनाक घटना हमारे जवानों के ऊपर हमले करके दिए गए हैं, उससे पूरा देश दुखित है। खास कर से गोरखा सैनी के परिवार, संपूर्ण भारत में रहने वाले नेपाली समुदाय के लोग आघात हैं। जो कुछ भी पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को बढ़ावा देकर के भारत में अप्रिय घटनाएं कराई जा रही है, इसके बड़ा बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं भविष्य में। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस संबंध में पाकिस्तान पोषित आतंकवादी द्वारा जो भी घटना को बुरे अंजाम को दिया जा रहा है, आप कड़ाई से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। इस संबंध में हमारी देश की संपूर्ण जनता, खासकर गोरखा समुदाय के सारे लोग, यहाँ तक कि भूतपूर्व सैनिक लोग आपके साथ हैं। आज हम गोरखा संगठन पूरी एक समाज मिलके यहाँ पे जो पुलवामा में हादसा हुआ उसके प्रति हम लोग यहाँ पे कैंडल जलाने आए हैं और एक श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। बड़ा दुख है, हमारे भाई हमारे बच्चे जो ऐसा हुआ, पाकिस्तान कभी हमारा नहीं हो सकता है, ना हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं भाईचारा बनाकर शांति बनाने, मगर पाकिस्तान से कभी ऐसा मिला नहीं। तो हम लोग जो हमारे भाई लोग करते करते आज चले गए, और जरूरत पड़ी तो हम महिलाएं भी एक साथ हो के पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं हम लोग। भारत पाकिस्तान के जो भी हालात पैदा हुए हैं वो क्रिकेट नहीं है कि उसमें गुगली फेंक करके स्टंप उड़ा देंगे। उनको यह पता होना चाहिए कि भारत की जो सेना है वो सेना उनकी गुल्ली उड़ाने में सक्षम है, और इस गीदड़ भभकियों से देश की सेना और जो हमारी भारत की जो सरकार है वो डरने वाली नहीं है। और उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि घटना के 3 दिन के अंदर ही घटना में संलिप्त जो भी आतंकी थे उन्हें जमींदोज कर दिया गया, उन्हें इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत के सशक्त सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है और उसका नतीजा पाकिस्तान भुगतेगा। अभी आने वाला दिन सेना के हाथों में है, और जिस तरीके से हमारी सेना का मनोबल ऊंचा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्वयं संज्ञान में लिया है, गंभीरता से लिया है, हमारी देश की सेना ने लिया है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और साथ ही साथ मैं एक युवा होने के नाते यह भी बताना चाहता हूं कि इस देश का एक एक युवा अगर बॉर्डर पे जाकर के पाकिस्तान के अंदर घुस करके मानव बम बन करके अगर पाकिस्तान को उड़ाना पड़े तो हम युवा तैयार हैं, और इसके लिए पाकिस्तान को आगाह भी करते हैं। 14 तारीख को जो कायराना हमला हुआ है जैश मोहम्मद के निर्देश पर, भारत में हमारे 44 वीर जवानों को शहादत मिली, हम उसके खिलाफ उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और इसी के साथ हम लोग यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि यह सारा देश इस मुद्दे पर एक है, और जैश मोहम्मद या पाकिस्तान की ISI जो कुछ भी सोच रही है,
उसको अपना ये सोच बदलना चाहिए, विचार बंद करना चाहिए और भारत के साथ कश्मीर की समस्या को लेकर के जिस तरह से उन लोगों ने उपाय खोजा है यह हल हो ही नहीं सकता। जब वो हमारे यहाँ आतंकवाद को जो सह दे रहे हैं, जब उसको बंद करेंगे तब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक ये आतंकवादी उनकी हरकतें जारी रहेंगी हम उनको मुँह तोड़ जवाब भी देंगे और अब तो और मुँह तोड़ जवाब हमारा देश उनको देगा और हमारे देश के वीर जवान उनको देंगे। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि स्थिति शांतिपूर्ण हो और फिर हमारे जवानों को शहादत न देनी पड़े, ऐसी स्थिति का निर्माण हो और पाकिस्तान आईएसआई और जैसे मोहम्मद का जो सरगना है उसको गिरफ्तार करके भारत को सौंपे और इस बात का संकल्प ले कि हम भारत में आतंकवाद पनपने में हमारे तरफ से कोई सहयोग नहीं होगा और जिस दिन पाकिस्तान ये तय कर लेगा अपने यहाँ के आतंकवादी सरगनाओं पर अंकुश लगा लेगा उस दिन बहुत कुछ हालात बदल जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अभी आज बयान दिया है कि अगर भारत इस तरह कोई हमला करता है या कोई भी कार्रवाई करती है तो जवाब दिया। हाँ वो कह सकते हैं लेकिन उनको मालूम है ना कि 48 में क्या हुआ था, उनको ये भी मालूम है 65 और 71 में क्या हुआ था, तो वो जवाब देंगे नहीं देंगे हमें तो नहीं मालूम है। लेकिन पाकिस्तान एक मिटता हुआ राष्ट्र है, उसकी बुनियाद इतनी कमज़ोर है कि उसको ये सब की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। उसके पहले ही भारत की सेना इतनी सक्षम और सशक्त है और हमारे देश का नेतृत्व इतना सक्षम और सशक्त है कि वह पाकिस्तान को फिर उस हालात में पहुंचाएगा जहां दोबारा पाकिस्तान 100 बार भी सोचेगा खड़ा नहीं हो पाएगा।